आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। महायुद्ध में महाविनाश की जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी खबर के साथ ही इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। कीव में लगातार बज रहे हैं सायरन। राजेश पवार हमारे संवाददाता वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे, कई बार वहां पर सायरन बजते हुए यानी कि हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। हवाई हमले का खतरा कीव में और ज्यादा बढ़ गया है। रूस जिस तेजी के साथ कीव पर कब्जे की कोशिश में है, आपको ये भी बताते चले, चार दिनों से लगातार बज रहे हैं सायरन और इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर राजधानी कीव पर कब्जा कर लेता है रूस, फिर यूक्रेन के लिए हो जाएगी मुश्किल। आपको बता दें प्रेसिडेंट जेलेंस्की की ओर से भी कहा जा रहा है कि पुतिन को अगर नहीं रोका तो मिट जाएगा यूरोप। इस तरह की बातें राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेनी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कीव को लेकर लगातार जंग की बड़ी तैयारी में रशिया, रूस की फोर्सेज इस वक्त दिखाई दे रही हैं। लगातार वहां पर सायरन बजता हुआ कीव समेत चार शहरों में आज हवाई हमले का खतरा जारी किया गया है, हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। सीधे राजेश पवार हमारे संवाददाता कीव से जुड़ चुके हैं। राजेश, लगातार आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, आसमान से सायरन की आवाजें हम सब ने सुनी, अभी वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? और यूक्रेनी प्रेसिडेंट की ओर से जो दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन के ठीक पास रॉकेट गिरा है, हालांकि वो अपने निशाने को चूक गया, इस तरह की बातें भी की जा रही हैं, जरा इस दावे में कितना दम है उसके बारे में भी विस्तार से बताएं आप। देखिए चित्रा, वो एयर सायरन्स बजे थे, उसके बाद कोई धमाका नहीं हुआ है, कोई बमबारी नहीं हुई है, तो प्रॉब्ली वो जो सायरन थे उनका कहीं या तो कहीं दूर बम गिरे हैं, मुझे उनकी कोई आवाज नहीं आई है। जहां तक प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसके ऊपर बमबारी का वो है, कल जब मैं रिपोर्ट कर रहा था आज तक के लिए, मैंने आपको बोला था एक बम धमाका सेंटर से लगभग 3 किलोमीटर दूर लगा है, बहुत नजदीक हुआ था, जो शहर के अंदर था 100%, पर वो प्रेसिडेंशियल पैलेस था या नहीं यह कहना मुश्किल है। कल मैंने वहां जाकर उसका निरीक्षण करने की कोशिश की, वेरीफाई करने की कोशिश की, लेकिन जो मिलिट्री और जो पुलिस वहां लगी हुई है वो एक पर्टिकुलर बैरिकेड से आगे, उन्होंने मुझे किसी भी हालत में नहीं जाने दिया, तो इसका पुष्टि करना मुश्किल है कि वो प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर गिरा है नहीं गिरा है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि कल जो एक बम धमाका हुआ था, जो जिस टाइम में लाइव था और वो यहां से सेंटर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था, वो लगभग उस एरिया में था प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर, गिरा है नहीं गिरा है ये पुष्टि करना मुश्किल है, लेकिन वहां एक मिसाइल जरूर गिरी है उस इलाके में कल, ये मैं पुष्टि कर सकता हूं। रूस के रूस ने दो शहरों में सीज फायर का ऐलान किया है, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन की ओर से बार बार इस बारे में बल दिया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सुब्रत साह जी भी जुड़ चुके हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राजेश, सीधा सा सवाल ये है, अगर प्रेसिडेंट जेलेंस्की की ओर से ये कहा जाता है कि पुतिन को अगर नहीं रोका गया तो यूरोप भी तबाह हो जाएगा, इसका सीधा सा संकेत क्या है? यूक्रेन को लेकर क्या ये माना जा सकता है कि पुतिन अपने मंशा में बिल्कुल ढील देने को तैयार नहीं है और चारों तरफ जब तक वो तबाही नहीं ला देंगे तब तक वो अपनी और खुद की सेना के कदम पीछे नहीं खींचने वाले? देखिए चित्रा, ये जो स्टेटमेंट आया है प्रेसिडेंट जेलेंस्की का, इसको आपको इस लाइट में देखना पड़ेगा कि कल नेटो देशों की मुलाकात हुई थी ब्रुसेल्स में, और उस मीटिंग के बाद उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि जो नेटो देश हैं वो किसी भी हालत में इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। हाँ, वो ह्यूमैनिटेरियन मदद और आर्म सप्लाई करते रहेंगे, लेकिन किसी भी हालत में वो इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं होंगे। इसके ऊपर जेलेंस्की का रिएक्शन काफी कठोर था, उन्होंने बोला कि नेटो, इनकी कोई दिशा नहीं है नेटो देशों की, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये। शायद इसी के अगले कदम में उन्होंने ये स्टेटमेंट इशू किया है कि ताकि नेटो देश किसी ना किसी तरह से अपना रुख बदलें और डायरेक्ट यूक्रेन के सपोर्ट में आए, क्योंकि कल उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि नेटो किसी भी हालत में डायरेक्टली इस युद्ध में जो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है शामिल नहीं होगा, इसके बीच में नहीं आएगा। चित्रा।